मध्य प्रदेश विधानसभा के उपचुनाव की तारीख का ऐलान, 28 सीटों में 3 नवंबर को वोटिंग, 10 को आएंगे परिणाम। मध्य प्रदेश में उपचुनावों की घोषणा के एक घंटे पहले तक मुख्यमंत्री ने सौगातें बांटी, कृषक कल्याण योजना और पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन को भी दी मंजूरी। लॉकडाउन में भी मालामाल हुए मुकेश अंबानी, पिछले 6 महीनों से हर घंटे कमाए 90 करोड़, गुरुन इंडिया रिच लिस्ट में पहुंचे पहले पोजीशन पर। पत्नी के साथ मारपीट के मामले में मध्य प्रदेश के डीजी रैंक के अफसर पुरुषोत्तम शर्मा को शासन ने किया निलंबित, नोटिस के जवाब में शर्मा ने कहा था कि यह मामला महिला प्रताड़ना का नहीं पुरुष प्रताड़ना का है। मैं फिर कह रहा हूँ, कमरा मेरा है, कुसुमी इसको एक बार मार के देख ले। तू क्या है इसमें? सिंहपुर गोलीकांड मामले में थाना प्रभारी और आरक्षक पर गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करने की खबर, लेकिन अभी तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं। गोलीकांड में जान गंवाने वाले मृतक राजपति कुशवाहा का अब तक नहीं हुआ अंतिम संस्कार, नारायणपुर पहुंचा मृतक का शव, लेकिन अब तक परिजन अपनी मांग को लेकर अड़े, अंतिम संस्कार करने को तैयार नहीं, वही शव की बदबू से ग्रामीण परेशान। सिंहपुर गोलीकांड के पीड़ितों को अपने घर ले आए सपना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा, पुलिस के खौफ से पीड़ितों ने अपने नारायणपुर स्थित घर पर लगाया ताला। मृतक राजपति कुशवाहा के परिजनों के साथ सपना विधायक सिद्धार्थ कुशवाहा ने की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कलेक्टर एसपी पर साधा निशाना, कहा पुलिस गन पॉइंट पर राजपति से जबरन गुनाह कबूल करने के लिए कर रही थी मजबूर। कलेक्टर एसपी या कोई भी जनप्रतिनिधि इन परिजनों से कोई बात नहीं की या किसी ने कोई सांत्वना नहीं दी, कोई दिलासा नहीं दी, बस मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी अपनी राय रख रहे हैं। हमारा कतई मकसद नहीं था, हमारी कतई मांग नहीं थी या एसपी का ट्रांसफर हो या कुछ हो, हमारी मांग थी आरोपी पर मुकदमा कायम, उसको बर्खास्त करें, 302 का मुकदमा कायम होना चाहिए, क्योंकि जो पता चला है वो ये पता चला है कि वो गन पॉइंट पे कबूल कराना चाहते थे कि तुमने ये चोरी की है, इसे स्वीकार करो, उसके लिए उसके साथ मारपीट हुई और मारपीट में जब वो नहीं बोला तो गन पॉइंट पे बात चली और धमकी देते देते वो गन चला दी। सिंहपुर में गोलीकांड के तीसरे दिन भी रही तनाव की स्थिति, छावनी में तब्दील रहा सिंहपुर क्षेत्र। डीआईजी अनिल सिंह के साथ दूसरे दिन फिर सिंहपुर पहुंचे कलेक्टर अजय कटसरिया और एसपी रियाज इकबाल, पुलिस की कई कंपनियां अब भी तैनात। मंगलवार को सतना कलेक्ट्रेट परिसर भी रहा छावनी में तब्दील, एहतियात के तौर पर प्रशासन ने की थी तैयारी, पहले थी प्रदर्शन होने की खबर। धर्मवीर सिंह यादव बनाए गए सतना के नए एसपी, पहली बार कल संभाल सकते हैं एसपी का पदभार। सिंहपुर गोलीकांड के मृतक राजपति कुशवाहा के शव का अंतिम संस्कार करने के लिए प्रशासन ने शुरू की तैयारी, किया लकड़ी का प्रबंध। सतना नगर निगम के आधा दर्जन से अधिक अधिकारी कर्मचारी निकले कोरोना पॉजिटिव, बावजूद इसके निगम प्रशासन ने अब तक नहीं कराया निगम परिसर को सैनिटाइज, अधिकारी कर्मचारियों में बढ़ रहा आक्रोश। सतना के होटल भरूच के पीछे सड़क में बाउंड्री निर्माण कर रहे वासियों ने किया विरोध, लोगों को हो रही आवागमन में परेशानी।